नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सेवलिया और हाजिर हूं आपके साथ में पीएफ के एक नए अपडेट के साथ में। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि पीएफ की जो पेंशन है उसको दोगुना करने की सोच रही है सरकार। तो पीएफ में हमारे देश में करोड़ों खाताधारक हैं और जो भी नौकरी पैसा है जो पीएफ मेंबर है उनकी सैलरी में से कुछ फंड कुछ हिस्सा पीएफ खाते में पीएफ के रूप में जमा होता है और वो 58 साल के बाद में उसको निकाल लेते हैं और 58 साल के बाद में उनकी पेंशन भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि मिनिमम 1000 रुपये होती है और मैक्सिमम 7500 रुपये तक। वो स्कीम को अवेल करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो पीएफओ के द्वारा लगाई जाती हैं। तो बाकी सारी टर्म्स और कंडीशंस को जानने के लिए ये वाला जो वीडियो है इसको आप जाके चेक कर सकते हो। तो फिलहाल में जो टर्म्स और कंडीशंस है उसमें जो सैलरी की लिमिट है उसको अपडेट किया गया है और भारत सरकार समय समय पर इस सैलरी लिमिट में अपडेट करती रहती है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो सैलरी मानी जाती थी पीएफ की मेंबर बनने के लिए वो 15000 रुपये थी और सितंबर 2014 से पहले 6500 रुपये मैक्सिमम सैलरी थी और जिसको सितंबर 2014 के बाद में अपडेट करके 15000 रुपये कर दिया गया था और अब इसी लिमिट को बढ़ाकर केंद्र सरकार 21000 करने की तैयारी में है। तो 21000 करने से जो आपकी पेंशन है, जो पेंशनेबल सैलरी है वो भी बढ़ेगी और वो बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि आपकी पेंशन भी इंक्रीज। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ये फैसला सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए ले रही है। तो ये सभी खाताधारकों के लिए बढ़िया खबर है, खुशखबरी है कि उनकी पेंशन बढ़ने वाली है। अब देखते हैं सरकार इसको कब तक ला दे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।